इसमें सबसे ज्यादा जब से दारू बंद हुआ है तब से सबसे ज्यादा जेल में गरीब आदमी, दलित और कमजोर तबके के लोग, 80-80, 90-90 आदमी, 100 आदमी दारू कहाँ से पी रहा है? एक ही आदमी ना बांटा सब जगह। कल रूढ़ी जी ने कहा कि हमारा गुजरात में ड्राई स्टेट होने के बावजूद जहरीली शराब नहीं है, जबकि सबसे ज्यादा जहरीली शराब में मौत गुजरात और यूपी में हुआ है। नमस्कार, मैं हूं काव्या कौशिक और आप देख रहे हैं बिहार इंसॉर्ट्स। छपरा में हुए शराब कांड के बाद अब जो राजनीति जो है वो काफ़ी गर्म हो गई है। आपको बता दें कि जितने बड़े पार्टी और राजनीतिक दल के नेता हैं वो छपरा के दौरे पे हैं, वहां जा रहे हैं, मृतक के परिजनों से मिल रहे हैं। आपको बता दें कि इसी बीच जन अधिकार पार्टी के सुप्रीमो पप्पू यादव छपरा पहुँचे, जहाँ मृतक के परिजनों से मिले और बातचीत किया, जहाँ उन्हें दुख में धैर्य रखने की सांत्वना भी दी है। इसी बीच पप्पू यादव क्या कुछ कह रहे हैं पहले आप सुने। 20, 12, 15, 16 मौत हो चुकी थी यहीं पर लोकसभा में, ठीक है। अब आप हमको एक बात बताइए, मैं जानना चाहता हूँ इसके पहले यह सवाल विपक्ष ने क्यों नहीं उठाया। एक, ये कौन लोग हैं? ये वही लोग हैं जहाँ से पहले भी शराब बनी थी, शराब आया था। अच्छा, शराब बनाने वाले लोग कंप्लीट दुनिया को पता है, मैंने कई बार नाम लिया हुआ है। कौन है लोग? या मैं पहले भी बोल चुका हूँ इनका, मैं दो तीन लोग अमनौर से लेकर भाई अमनौर है, अभी मैं नाम भी बताऊंगा आपको। मैं दो तीन बात पूछना चाहता हूँ, आप इसको देख लीजिए। ये जो बड़ी बड़ी बात करते हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि क्यों आज तक बड़ी कार्रवाई नहीं होती है, आप जरा हमको आप सिर्फ बता दें। और हमको एक बात सिर्फ कहिए कि कितने लोग अभी गुजरात में मरे थे? 60। ये 60 आदमी की मौत गुजरात में है कि नहीं शराब से? अभी एक महीना पहले राजीव प्रताप रूढ़ी जी के गाड़ी में शराब बेचा गया था कि नहीं, पकड़ाया था कि नहीं, ठीक है। विपक्ष और सत्ता पक्ष के लगभग लोग शराब बनाने में, शराब पीने में भागीदार हैं कि नहीं? नीतीश कुमार जी को आप टारगेट करिए, मुख्यमंत्री हैं, जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल है, मौत जैसे कहते हैं कि मरा पिएगा तो मरेगा नहीं, या ऐसा होगा, उसके परिवार का क्या दोष है? ठीक है, हम पिए हम मरे, हम गरीब आदमी हैं, ये पिलाने वाले को नगर निगम नगर निकाय का जो चुनाव है, क्या बगैर दारू के हो सकता है? पंचायत चुनाव, MLA MP का चुनाव बगैर दारू से होता है? ये दारू चलवाता कौन है, दारू पिलाता कौन है? जहरीली शराब आता कहाँ से है? जहरीली शराब, अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा जब से दारू बंद हुआ है तब से सबसे ज़्यादा जेल में गरीब आदमी, दलित और कमज़ोर तबके के लोग हैं, और प्रभावित भी वही लोग हो रहे हैं। माफिया कितना, बनाने वाले माफिया कितना प्रभावित हुए, कितने पकड़े गए? 1, 2, 4, 5, 10 जेल गए गरीब, मरे गरीब, मिडिल क्लास, कॉमन मिडिल क्लास। और ओकेजन क्या है? ओकेजन है MLA का, MP का चुनाव, नगर निगम नगर निकाय काउंसलर का चुनाव। ओकेजन क्या है? आप कहना चाह रहे हैं कि नगर निकाय के चुनाव के कारण ही खेप आई? सर, पार्टी थी सर, सर इतना बड़ा खेप एक जगह कहाँ से? क्या शादी थी क्या सर? 80-80, 90-90 आदमी, 100 आदमी दारू कहाँ से पी रहा है? एक ही आदमी ना बांटा सब जगह, ये कौन है बांटने वाला? जो चुनाव लड़ रहे हैं वही है ना सर? ये सवाल क्यों नहीं उठ रहा है? कौन है पप्पू यादव का, जानते हैं सर? हम सब जानते हैं, हम उसका आपका नाम आधे घंटा में खोलेंगे, आप चिंता नहीं करिए। मेरा सवाल बिल्कुल क्लियर है कि आप सदन में, सदन के बाहर जो राजनीति कर रहे हैं, BJP वाले या सत्ता पक्ष, मैं नीतीश कुमार जी से, देखिए नीतीश कुमार जी जिस सुधार या जिस प्रयास की बात कर रहे हैं, प्रयास करना बिल्कुल अलग बात है, कानून सही बना, लेकिन क्या समय समय पर जब लोकसभा और विधानसभा कानून संशोधन के लिए बना है ना, आप कई कानून को अमेंडमेंट किए हैं ना, जब तरीके आप खुद कह रहे हैं कि महिलाओं के कहने पर हमने किया। सर, गांव में शराब कम हुए, जहरीली शराब बढ़े, एक शराब 100 रुपया का 600 रुपया में मिलने लगा, दो, और जब से शराब बंद हुआ तब से कोरेक्स, ड्रग्स, एसमैक्स और वाटनर, ये ज़्यादा बिकने लगा। यूथ के हाथ में शराब बंद होने के बाद एसमैक्स, कोरेक्स, ड्रग्स ज़्यादा चला गया, तो बेनिफिट क्या हुआ? नीतीश कुमार जी
सही किए, प्रयास मैं धन्यवाद देता हूँ। अब गरियाइए पूरा जात को, क्रिमिनल है कोई व्यक्ति या कहिए जात गलत है। तो सर ये पॉलिसी मेरे ख्याल से आपने यह तय कर लिया है कि शराब प्रयास सही है, तो सर ड्राई स्टेट, कल रूढ़ी जी ने कहा कि हमारा गुजरात में ड्राई स्टेट होने के बावजूद जहरीली शराब नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा जहरीली शराब में मौत गुजरात और यूपी में हुआ है और उसके बाद बिहार में हुआ है। क्या 3 महीना पहले बीजेपी की सरकार नहीं थी जब छपरा में 3 बार मौत हुई थी, मकेर में बात था, केतुकानंदन में, भट्टम, सभी जगह मौत नहीं हुई थी, बनियापुर में, वहाँ पप्पू यादव आए, सबकी मदद की। यहाँ जितने दलित और गरीब बड़े होंगे हम सबको 20,000 रुपया दे के जाएंगे, सवाल वो नहीं है। सवाल ये उठता है कि क्या सदन में ही राजनीति होगी, सवाल ये उठता है कि क्या राजनीति के लिए मौत का इस्तेमाल होगा, सवाल ये उठता है कि जब कानून बन रहा था तो बीजेपी ने सपोर्ट किया था, सवाल ये उठता है कि क्या पीने में और बनाने में सिर्फ सत्ता पक्ष है कि बीजेपी भी है, और छठा सवाल ये उठता है कि क्या पूरे देश में गुजरात के बारे में आपकी क्या राय है। चौथी चीज, अंतिम चीज, नीतीश जी को आग्रह और हाथ जोड़ के विनती है, सलाह नहीं देंगे, मेरी औकात नहीं है, कि जितना बड़ा आपने प्रयास किया है और उस प्रयास का ज्यादा इकोनॉमी बाहर, माफिया अपराधी के पास पैसा बाहर, ड्रग्स और स्मैक्स यूथ के पास, और जहरीली शराब दलितों के घर में पप्पू यादव के द्वारा बनाया जा रहा है, मतलब ये मुसारी है, ये दूसर टोली है, ये राम टोली है या ये बीट टोली है, तो हम उसको पकड़ लिए और वहाँ पप्पू यादव जैसा माफिया भट्टी चला रहा है। तो टारगेट तो गरीब हो रहे हैं, दलित हो रहे हैं, कमजोर तबके के लोग हो रहे हैं। मेरा आग्रह है शराब पर से ज़्यादा आज हमको स्मैक, ड्रग्स, कोरैक्स और जहरीली शराब पर हमला करने की ज़रूरत है, और जो मरे वो गलत था, मरे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके परिजन को मुआवजा मिलना चाहिए, मेरा आग्रह है। और चोर बजाए शोर, गाल मिट्ठू बजाए, ये ठीक नहीं है, मेरा आग्रह है कि बीजेपी वाले से कहिए कि इस पर जनमत संग्रह कराए, नीतीश जी को भी जनमत संग्रह कराना चाहिए, सर्वदलीय बैठक बुला लीजिए, और सर्वदलीय बैठक में कल जो राजद बोलते थे शराब को हम आएंगे तो चेंज करेंगे, तो राजद को भी ये बात करनी चाहिए और नीतीश कुमार जी को आमूलचूल परिवर्तन करने की जरूरत है। तो आपने पप्पू यादव को सुना, जिनका कहना है कि सरकार को इस कानून पे फिर से एक बार संशोधन करना चाहिए। इसी के साथ उन्होंने यह भी कहा है कि कौन से राज्य में लोग शराब के कारण नहीं मर रहे हैं, गुजरात में शराब बंदी है फिर भी लोग मर रहे हैं, यूपी में शराब बंदी है फिर भी लोग मर रहे हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव यह भी कहते नजर आए हैं कि अब सरकार को जो लोग मर गए उनका तो कुछ नहीं, लेकिन उनके जो परिजन हैं उनका क्या होगा, इसको लेकर सरकार से वो मुआवजा की मांग किए हैं। आपको बता दें कि पप्पू यादव यह भी कह रहे हैं कि जब शराबबंदी कानून आई थी तब भाजपा इसके समर्थन में थी, और आज जब लोग मर रहे हैं तो नेता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर हमलावर है। तो फिलहाल के लिए खबर में इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।